हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन जिसको हम किडनी कहते हैं। हर इंसान के शरीर में दो किडनियां होती है, एक राइट साइड में होती है और एक लेफ्ट साइड में होती है। जब किसी भी इंसान की दोनों किडनियां अच्छे तरीके से काम करती है तो उसके शरीर की सारी क्रियाएं बहुत अच्छे तरीके से चलती है। किडनी का सीधा कनेक्शन हमारे हार्ट के साथ, हमारे लीवर के साथ और जितने भी हमारे बड़े बड़े ऑर्गन हैं उसके साथ किडनी का सीधा कनेक्शन है। दोनों किडनियों का हमारे शरीर में मुख्य काम है हमारे शरीर के ब्लड को फिल्टर करना, यानी कि शरीर के खून को शुद्ध करना। अगर हमारी दोनों किडनियां कुछ समय के लिए खराब हो जाए तो उसको ARF यानी कि एक्यूट रीनल फेलर कहा जाता है, और किडनी अगर लंबे समय तक ज्यादा खराब हो जाए तो उसको CRF यानी कि क्रॉनिक रीनल फेलर कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि CRF या ARF किडनी को खराब होने के लिए क्या क्या, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, क्या क्या ऐसे कारण हैं कि जिसमें हमारी किडनी खराब हो सकती है, और कुछ ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां और कुछ ऐसे आयुर्वेदिक इलाज मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि जिसको आप अपने घर पे अपनी दवाई के साथ साथ, अगर कोई किडनी पेशेंट है उसकी कोई दवाई चल रही है तो वो दवाई के साथ साथ वो इलाज को करके उसको काफी सारे अच्छे बेनिफिट्स भी प्राप्त हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। जनरली दोस्तों, हमारी दोनों किडनी अच्छे से काम कर रही होती है, लेकिन अगर किडनी की कार्य क्षमता में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जनरली कुछ कारणों की वजह से आती है। जैसे कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन लग गया हो और शरीर में इन्फेक्शन ज्यादा फैल गया हो, किसी को कैंसर नाम की बीमारी हो गई हो तो उसकी वजह से भी आपकी किडनी खराब हो सकती है। किडनी खराब होने की वजह से आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि UTI हो जाता है। जब हम हमारे यूरिन का एग्जामिनेशन करते हैं यानी कि आपके पेशाब की जांच करी जाती है तो उसमें सॉल्ट ज्यादा आता है, उसमें यूरिया ज्यादा आता है और यूरिक एसिड भी आपका बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। जब हमारी किडनी अगर खराब हो जाती है तो कुछ ऐसे अलार्मिंग साइंस हमें देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं कि जिसके कारण आपके डॉक्टर को यह पता चल जाता है कि आपकी किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं कि अगर किडनी खराब होती है तो कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। हाई BP यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ज्यादातर किडनी खराब होने में ब्लड प्रेशर के बढ़ने का बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरा, अगर किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको स्किन में खुजली आना यानी कि इचिंग की शिकायत भी देखने को मिलती है। उसके अलावा ब्रीथलेसनेस यानी कि सांस फूलना, टायर्डनेस यानी कि ज्यादा थकान महसूस होना, शरीर में बुखार आया हो ऐसा फील होना, हाथ और पैरों में या चेहरे पे सूजन आ जाना, मुंह में से बदबू आना, स्किन पे पैचेस पड़ जाना, भूख कम हो जाना या बिल्कुल भूख न लगना, ओलिगोयूरिया या पोलीयूरिया यानी कि या तो पेशाब बिल्कुल बंद हो जाता है या बार बार आपको पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है, नींद उड़ जाना मतलब रात को अच्छे से नींद ना आना, स्लीपलेसनेस फील होना, हीमोग्लोबिन का बार बार कम हो जाना, सेक्सुअल डिजायर का बिल्कुल कम हो जाना, सेक्स के प्रति आपकी अनइच्छा हो जाना, और एसआईटिस यानी कि पेट में पानी भर जाना और पेट का फूल जाना। ये सारे सिम्टम्स अगर आपकी किडनी खराब हो गई है या किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। अब हमने ये तो देखा कि किडनी के प्रॉब्लम में, किडनी की बीमारी में हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, लेकिन अब ये देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं कि जिसमें किडनी खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सबसे बड़ी दो बीमारियां मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखी है वो है हाई ब्लड प्रेशर और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मलाइटस। जी हाँ दोस्तों, ये दो ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल में ना रहता हो या आपका ब्लड प्रेशर लेवल कंट्रोल में ना रहता हो तो ये दो कारणों की वजह से किडनी खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म, जिन लोगों को थायराइड की बीमारी है और वो थायराइड की दवाई का रेगुलर सेवन नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी आपकी किडनी पे इफेक्ट हो सकता है। जिन लोगों को हृदय रोग की बीमारी है, हार्ट डिसीज है, उन लोगों को, जिनको लीवर की बीमारी है, लीवर सिरोसिस नाम की बीमारी बहुत कॉमन है, जिनको लीवर सिरोसिस होता है तो उनको भी किडनी की बीमारी हो सकती है, उनका भी क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। कुछ लोगों को हेरिडिटी की वजह से भी किडनी की बीमारी आ सकती है यानी कि आनुवंशिक, माता पिता को या दादा दादी को, नाना नानी को, किसी को भी अगर किडनी की बीमारी है तो अपनी जनरेशन में भी वो कभी कभी देखने को मिलती है। अल्कोहल, सिगरेट,
तंबाकू, बीड़ी, इसका ज्यादा मात्रा में सेवन करने की वजह से भी किडनी की बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये सारी नशाकारक चीजों का सेवन करने से आपका ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी बूस्ट करता है, बहुत जल्दी शूट करता है और नीचे आता है, उसकी वजह से आपकी किडनी पे ज्यादा लोड पड़ता है। जो लोग मोटापे से पीड़ित हैं, ओबेसिटी से पीड़ित हैं, बहुत ज्यादा जिनका वजन है, जिनका बीएमआई बहुत ज्यादा है, ऐसे लोगों को भी किडनी की बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो लोग अपनी नेचुरल अर्जिस को सप्रेस करते हैं, यानी कि गैस मल मूत्र की जो उनकी इच्छा है, उनको जाना है लेकिन लंबे समय तक उसको रोक के या दबा के रखते हैं, वैसे लोगों को भी किडनी की बीमारी होने के चांसेस होते हैं। और जो लोग लंबे समय से पेन किलर या एंटीबायोटिक का सेवन करते हैं, वैसे लोगों को भी दवाइयों की साइड इफेक्ट की वजह से किडनी की बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस के बारे में कि जिनकी वजह से किडनी की बीमारी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी आयुर्वेदिक रेमेडीज के बारे में कि जिसका सेवन करने से जो लोग किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं, अगर इसका रेगुलर सेवन करेंगे, ये घर में बनाया जा सकता है। जो मैं आपको आयुर्वेदिक इलाज बताने वाला हूं, इसको आप घर में बनाकर पी सकते हैं। आपके कोई भी डॉक्टर, अगर आपकी किडनी की बीमारी की दवाई चल रही है, आपका कोई भी कंसल्टेंट होंगे, वो आपको वो पीने से बिल्कुल रोकेंगे भी नहीं। और इसका अगर आप रेगुलर सेवन करते हैं तो आपको कुछ हद तक या ज्यादा किडनी की बीमारी में फायदा होने के चांसेस है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऐसा आयुर्वेदिक इलाज है कि जिसको करने से हमें किडनी की बीमारी में बहुत फायदा होता है। तो दोस्तों, आयुर्वेद की एक बेहतरीन रेमेडी जिसका नाम है अष्टगुणमांड। ये अष्टगुणमांड किस तरीके से हमें तैयार करनी है और अष्टगुणमांड का कैसे सेवन करना है, वो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो अष्टगुणमांड में आपको 4 पार्ट राइस लेना है, यानी कि से फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम आपको राइस लेना है। अगर आपने 100 ग्राम राइस लिया है तो उसका 1/4 भाग ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग लेना है। ग्रीन वाले जो मूंग आते हैं, साबुत मूंग, खड़े मूंग, वो 25 ग्राम आपको लेना है। उसके बाद उसमें आपको 25 ग्राम त्रिकटू का पाउडर मिक्स करना है। त्रिकटू चूर्ण में सौंठ, काली मिर्च और पिपली, ये आपको पंसारी की शॉप से मिल जाएगा। ये तीनों को समान मात्रा में मिला दिया जाए तो इसको त्रिकटु कहा जाता है। आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पे भी आपको त्रिकटु प्राप्त हो जाएगा। ये त्रिकटु का चूर्ण इसमें 25 ग्राम आपको मिलाना है। उसके बाद उसमें आपको धनिया मिलाना है, धनिया पाउडर, या तो जिसको गुजराती में धाणा बोलते हैं, वो 25 ग्राम मिलाना है। और उसमें रॉक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक 25 ग्राम मिलाना है। और उसमें आपको 25 ग्राम मिलाना है घी में भुनी हुई हींग। तो दोस्तों, इतनी चीजों को आपको मिक्स करना है, उसमें 4 गुना पानी डालना है और उसको अच्छे से बॉईल करने के लिए एक बर्तन में ऊपर से ढक के रख देना है। जब ये बॉईल होके 1/4 हो जाए तब इसको अच्छे से क्रश करके इसका मांड बनाना है, इसका सूप बनाना है और उसको दिन में एक बार आपको सेवन करना है। ये जो मैंने आपको मात्रा बताई है, ये मिक्स करने के लिए आपको समझ में आए इसीलिए इतनी मात्रा बताई है। इस मात्रा को आप कम करके भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको 100 ग्राम राइस बताए हैं तो उसको आप 50 ग्राम करके बाकी की सारी चीजें उससे 1/4 भाग में यूज कर सकते हैं। तो इस मांड को दिन में आपको एक बार सेवन करना है। उसके अलावा आयुर्वेद की 2 बेहतरीन औषधियां हैं जो हमेशा हर आयुर्वेदिक चिकित्सक किडनी की बीमारी में, किडनी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, यूरिनरी स्टोन हो, चाहे आपको पेशाब में जलन होती हो, चाहे क्रिएटिनिन बढ़ गया हो, तो उसमें ये 2 आयुर्वेदिक औषधियां आपको हर आयुर्वेदिक चिकित्सक देता है। पहली आयुर्वेदिक औषधि है पुनर्नवा और दूसरी आयुर्वेदिक औषधि है गोखरू। ये दोनों चूर्ण आपको आसानी से आयुर्वेदिक मेडिसिन के स्टोर पे मिल जाएंगे। इसका समान मात्रा में मिश्रण करके 1-1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद लेने से भी बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, जो लोग किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं, उन लोगों के लिए मैंने ये 2 तरीके बताए हैं। आप में से जो भी लोग किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं, अपने चिकित्सक के साथ बात करके, अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके, आप ये चीज अपनी जो ऑनगोइंग मेडिसिन, आपकी जो दवाई चल रही है, उसके साथ आप इसको ले सकते हैं। तो आज का ये वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप जरूर से कमेंट में लिखकर बताइए कि आज का हमारा ये वीडियो, आज की हमारी ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी। अगर आप कोई और बीमारी पे, कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, वो भी जरूर से कमेंट करके बताएं।
हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर से आप लाइक करें, इसे दोस्तों के साथ और जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमारे इस चैनल संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में जल्द से जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। संजीवनी आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल, रीजुविनेट योर माइंड बॉडी एंड सोल। कॉल नाउ 7575098494 या 9879428494। 116-117 ग्रीन एलिना ऑपोजिट स्नेहा संकुलवाड़ी, आनंद महल रोड, अडाजन, सूरत।